जीपीएस ने अपना लाइफ बहुत आसान बना दिया है, ट्रैकिंग रूट्स हो, फूड डिलीवरीज हो या फिर लोकेशन बेस्ड एआर गेम्स खेलना हो। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ब्रांड न्यू लोकेशन स्पूफिंग ऐप फॉर एंड्रॉयड, मॉक पोगो, जो ऑफिशियली प्ले स्टोर में अवेलेबल है एंड ये एंड्रॉयड 14 के साथ भी कंपैटिबल है। ये ऐप यूज करने के लिए गाइस आपको फोन रूट नहीं करना है और ना ही आपको पीसी चाहिए। कोई भी लोकेशन बेस्ड एआर गेम्स खेलना हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर एजुकेशनल पर्पस, या फिर कोई ऐप है जो चोरी छुपे आपका लोकेशन ट्रैक कर रहा हो, इन सब के लिए आप ये ऐप यूज कर सकते हो। ये टूल आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये ऐप कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज करना है एंड इसके फीचर्स। वैसे बता दूं ये ऐप एंड्रॉयड के साथ साथ आईओएस के साथ भी कंपैटिबल है। ये ऐप आप लोकेशन स्पूफिंग के लिए यूज कर सकते हो, सिमुलेट जीपीएस मूवमेंट, जॉयस्टिक कंट्रोल आपको मिलेगा, टेलीपोर्ट मोड, वॉकिंग मोड एंड स्पीड भी कस्टमाइज किया जा सकता है। प्ले स्टोर में सर्च करो मॉक पोगो, ऐप इंस्टॉल करो एंड आप लोगों को बता दूं ये ऐप 100+ ऐप्स के साथ वर्क करेगा, लाइक पोकेमॉन गो। तो हमारा मॉक पोगो लोकेशन स्पूफिंग टूल रेडी है हमारे करंट लोकेशन के साथ। नाउ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस टूल को कैसे सेटअप करना है। स्क्रीन पे कहीं भी खाली स्पेस पे टैप करो, टेलीपोर्ट ब्लू बटन जो दिख रहा है इस पे टैप करो, आपको इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा। सबसे पहले हमको फोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है और इसके लिए हमें जाना होगा फोन के सेटिंग्स के अंदर एंड वहाँ पे हमें दिखेगा अबाउट फोन। अबाउट फोन में हमें सर्च करना है बिल्ड नंबर। मेरे पास है पोगो का स्मार्टफोन, इसमें जो ओएस वर्जन है यही है बिल्ड नंबर फोन का। इस पे 7 टाइम्स टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है जो एडवांस्ड सेटिंग्स या फिर सिस्टम सेटिंग्स के अंदर मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल बॉटम में आपको दिखेगा सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप। अगर नहीं दिखा तो सेटिंग्स पे जो सर्च बार है या फिर सर्च आइकन दिखता है उस पर टैप करके हम सर्च कर सकते हैं। ये रहा सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप का ऑप्शन, इस पर टैप करो। नाउ चूज करो मॉक पोगो ऐप। हमने मॉक पोगो ऐप का सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बस एक परमिशन है उसको अलाउ करना बाकी है, फ्लोटिंग विंडो का, जिससे ये प्रॉपरली वर्क करेगा थर्ड पार्टी ऐप के साथ भी, लाइक पोकेमॉन गो। नीचे जो ब्लू बटन दिख रहा है ना, इस पे टैप करके आप सेटिंग्स के अंदर जा सकते हो, देन अदर परमिशंस पे टैप करो। नीचे जो फोर्थ वाला दिख रहा है ना, डिस्प्ले पॉपअप विंडोज का, ये परमिशन हमको अलाउ करना है। नाउ फ्लोटिंग विंडोज अब प्रॉपरली वर्क करेगा थर्ड पार्टी एप्स के साथ भी। ये जो टॉप में आपको सर्च बार दिख रहा है ना, इस पे दुनिया का कोई भी लोकेशन सर्च कर सकते हो, कोई भी एड्रेस या कोऑर्डिनेट्स टाइप करके। अभी हम सीधे कोलकाता से टोक्यो जाएंगे। टॉप में आपको स्पीड कंट्रोल बार भी दिख रहा होगा, जिससे आप अपना स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। मिनिमम स्पीड आपको मिल रहा है 1 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम स्पीड 28 मीटर पर सेकंड का, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड ड्राइविंग स्पीड। गाइज वॉक हमने कर लिया, नाउ टेलीपोर्टिंग स्टार्ट करने के लिए हमें ऐप परचेज करना पड़ेगा। मेरे पास एक्टिवेशन कोड है तो मैं ऐप को एक्टिव कर लेता हूँ। नाउ जॉयस्टिक मोड, टेलीपोर्टिंग मोड एंड दूसरे सारे फीचर्स मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐप एक्टिव कर लिया है, यानी परचेज कर लिया है। अब देख सकते हो टेलीपोर्टिंग एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ गाइस सर्च बार के पास जो आपको ब्लू बटन दिख रहा है ये प्रोफाइल का है ना, उसके नीचे वाला जो बटन है ये पोकेमॉन गो गेम मोड का है। अगर पोकेमॉन गो मोड यूज करना है तो ये बटन ऑन कर देना, इनेबल कर देना एंड दूसरा कोई भी लोकेशन बेस्ड ऐप यूज करना है तो इस बटन को ऑफ कर देना। पोकेमॉन गो में अगर आपको ये ऐप यूज करना है, यानी अपना पोजिशन चेंज करना है या फिर जॉयस्टिक कंट्रोल यूज करना है, तो उसके लिए आपको गेम का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा मैन्युअली इसके वेबसाइट से। बट प्लीज पहले अनइंस्टॉल कर देना अगर पोकेमॉन गो आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है अपने स्मार्टफोन में। तो ऐप रेडी, अब इसको एकदम परफेक्टली वर्क करना चाहिए विदाउट एनी इश्यू। देख सकते हो हमारा कैरेक्टर एकदम टोक्यो में मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है एंड ये जो फ्लोटिंग बटन दिख रहा है इससे हम अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अपने कैरेक्टर को स्टॉप करना है तो पॉज बटन में क्लिक करके इसका मूवमेंट आप स्टॉप कर सकते हो। स्पीड भी इसका इंक्रीज कर सकते हो अप टू 10 मीटर तक रियलिस्टिक फील के लिए। तो गाइस एकदम रियलिस्ट पोकेमॉन कैच करने के लिए आप दुनिया में कहीं भी आराम से घूम सकते हो। वैसे घूमने से याद आया, जॉयस्टिक मोड भी आप ट्राई करके देखते हैं। तो ये आ गया फ्लोटिंग जॉयस्टिक कंट्रोल। अब आप मैप में किसी भी एंगल में मूव कर सकते हो, अपने मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो एंड अपने स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हो। मैप में जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सेम मूवमेंट आपको पोकेमॉन गो में अपने कैरेक्टर में भी देखने को मिलेगा। नाउ पोकेमॉन गो ऐप में भी आप फ्लोटिंग जॉयस्टिक कंट्रोल की मदद से अपने कैरेक्टर को कहीं भी किसी भी एंगल में मूव कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने एंड इसके स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हो। अपने कैरेक्टर को हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड कहीं भी इसको पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नाउ गाइस जॉयस्टिक बटन के नीचे जो बटन है ये है हिस्ट्री का।
आपने जो भी लोकेशन या रूट पे ट्रैवल किया है उसका हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड उसके नीचे जो येलो बटन है यह है फेवरेट बटन, आपका फेवरेट लोकेशन या रूट आपको यहाँ मिल जाएगा जिसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। तो गाइस ये था मॉक पोगो ऐप जो मैंने एंड्रॉइड 14 बेस्ड स्मार्टफोन में यूज करके आप लोगों को दिखाया। मॉक पोगो का वेबसाइट एंड ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और दूसरी जानकारी भी, ऑफर्स वगैरह कुछ भी हुआ सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।